अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ से जो हमारी जर्नी है, एक नई जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग सोचे थे कि आज संडे है तो चलते हैं, ज़रा कहीं मचा के आते हैं। तो मैं हूँ अब्दुल है और एमसी रेहान भी है, लेकिन रेहान एक्चुअली गया अभी यहाँ पानी लेने के लिए। तो फाइनली माचे आ चुका है, हमारा जो जर्नी है वहाँ से अभी स्टार्ट होएगा। और यहाँ से माशाल्लाह आप देखिए, माचे के साथ चलता हूँ, मैं माचे के सामने चलता हूँ, माचे से बात करता हूँ। आ जाइए, देखिए हमारी काफी है यार। किधर रह गया था यार लाला यार? अरे हो गया टाइम यार, अरे इतना टाइम लग गया है। चल चल, अपने फैमिली इतना वेट कर दिए तेरा। ये आए गाइस, आप देख सकते हैं माचे आ चुका है, माचे की एंट्री हो चुकी है। देखिए माचे, माचे यार लाला बहुत दूर रह गया था गाइस। पहले तो एक बूम वो, तो अभी हम लोग जस्ट पीयूसी यहाँ से लेके निकले गए और देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी की कार की पीयूसी आ चुकी है। और अभी यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। एक भी मोमेंट का स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत धानदार और एकदम जानदार बनने वाला है, ये मेरा कमिटमेंट आपको। तो माशाल्लाह हम लोग फाइनली अपने जो जहाँ हमारी जर्नी अभी एंड होने वाली है वहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं। और वहाँ से ड्राइव कर रहा है, माशाल्लाह क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, बारिश भी हो रही है स्लो स्लो, और मज़ा आएगी गाइस। मतलब खोलने वाले हम लोग, देख सकते हैं माशे कितना टाइम लगेगा। हाँ 10 मिनट टिका रहा है, 10 मिनट में पहुँच जाएगी, पहुँच जाएगी तो चलिए फिर मिलते हैं सीधे अपने जगह पे खोलने के लिए। आ जाइए बूम, फिर वहां से कोस्टल रोड चले आइए। हाँ भाई, एक ही घूम लेंगे, एक ही कहा ना कोस्टल वाला अपन घूमे नहीं है। हम लोग पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और अभी हम यहाँ से जाएंगे, वो आपको सरप्राइज है। अब हमारा लोकेशन हम आपसे शेयर करेंगे, तो बने रहिए, स्टे ट्यून। आप पूछना नहीं हम लोग कहाँ बैठे हैं, और कमेंट करके बताइए। बूम बूम माशाल्लाह फाइनली गाइज हम लोग मीरा रोड में स्टे किए। माचे ने बोला था यहाँ रुकने के लिए, तो हम लोग रुक चुके हैं। लेकिन हम लोग का जो प्लान है अभी, वो वहाँ से मुसाफा ढाबा जाना है हमें। और हमें दो हमारे छोटे छोटे भाई मिले, एक तो अपने जोहेब भाई है, दूसरे अपने माशाल्लाह आयान है, जिनको सैफ अली खान बोलते लोग। और इनको एमसी स्टैंड, मैं सुना ये वीडियो भी बनाते हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े कंटेंट बनाते हैं। आज के यूथ और आज के जनरेशन के देखो दोनों स्टार है, एक आया और एक जोहेब। तो जल्दी हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से अभी निकले गए, बारिश हो रही है, माचे ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो कोई बात नहीं, भाई है मेरा, दोस्त है मेरा, थोड़ा समझ के ले रहा हूँ मैं। तो अभी यहाँ से चलते मुसाफा ढाबा, तो क्या बोलते हैं माचे, ले चलते फिर हो जावे। 3 2 1 बूम।
फाइनल करना है, हमें 6 गुब्बारे फोड़ने हैं लगातार वरना हमें 100 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पर। और आप लोग को पता है मैं शूट कैसा करता हूँ, तो इंशाल्लाह फोड़ेंगे, मेहनत करेंगे। अभी गोली मांग रहा हूँ मैं, और ये गोली बहुत बड़ी बड़ी है, मैं बता नहीं सकता आपको। एक गोली वो होती है जो सीने में घुस के बाहर निकल जाती है, और एक गोली ये है जो मुझे लगता है कि ये चने से भी छोटी गोली है, लेकिन ये गोली काम आएगी क्योंकि फुग्गे फोड़ने हमें, गुब्बारे फोड़ने के। और लोडेड अब्दुल काफी सारे इसके चेहरे पे रखो बात है। ये देखिए माशाल्लाह रेड बुल वगैरह भी है, अगर मुसाफिर आप आएंगे तो एक आपको ड्रिंक के लिए एक अलग सेक्शन दिया गया हुआ है। काफ़ी कुछ ही है, देखिए आइसक्रीम है, ये यहाँ की फेमस आइसक्रीम है भाई। कौन सा फ्लेवर है इसमें से? बहुत सारे देख सकते हैं भाई, बता रहे हैं ये सब नाम है। चॉकलेट में से 6 फ्लेवर है, राइस के साथ अच्छा खासा फ्लेवर है, लेकिन हम लोग आइसक्रीम नहीं खाते हैं तो हम लोग अभी नहीं लेंगे। और आगे चलते क्या हो एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो ये ढाबे की शान है, आन है, ये आप देख दो जन बैठ सकते, ये कैमल है इधर बैठ और दो जन भाई राजस्थान की सवारी इधर। अच्छा राजस्थान की सवारी आपको मुसाफिर ढाबे में मिलेगी, और ये देख सकते हैं ये रियल कैमल है, ये कोई स्टैचू नहीं है कोई, मतलब मेरे हिसाब से तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह दो जन बैठ सकते हैं, और मैं माचे अभी बैठ के भी दिखाएंगे आपको। और इसका चार्ज क्या है भाई? अच्छा पालतू एक का 100 रुपए। अच्छा एक पर पर्सन का 100 रुपए पर पर्सन, बच्चे बड़े सब बैठ सकते हैं। और ये आप यहाँ बैठा के चलाते हो ऐसा गोल घुमाएंगे 200 मीटर का राउंड रहेगा। अच्छी बात है, 200 मीटर का राउंड देते हैं भैया यहाँ पर, और बहुत ही ऊंट बहुत काफी खूबसूरत है, बहुत अच्छा ऊंट है। मुसाफा ढाबे की जान मान शान लग रहा है, जहाज बोला जाता है इसको भाई। कौन सा जहाज बोला जाता है भैया? हाँ भाई जहाज जिसको विद्युत मिला राजस्थान में। ओके राजस्थान में इसे जहाज कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में सक्सेस हुआ है ये। अब्दुल आपको पूरी तरह दिखाएगा ये ऊंट के बारे में, ये इसको अवार्ड वगैरह भी मिला राजस्थान में भाई, बता रहे और बहुत फेमस लग रहे हैं माशाल्लाह। बारिश का टाइम है इसलिए क्राउड ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए यहाँ आपको पब्लिक नहीं दिख रही है, लेकिन ढाबा माशाल्लाह एक नंबर है। क्या बोलता माचे? फुल आफत फुल, है भाई। फुल आफत है फुल फुल। अभी देखो भाई सवारी करेंगे, चलो ठीक है हम लोग बैठ के दिखाते ऐसा नहीं दिखाते ऐसा दिखा। फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं मुसाफा ढाबे के ऊंट पे, और देखिए भैया हम लोग, और ये हमारी सवारी चल चुकी है ब्रो। भाई जब मैं कैमरा वहाँ लेके चलो पूरा घूम तेरा चल रहा है। ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है? चलो चलो, और काफी खतरनाक रास्ते हैं, इस रास्तों से निकलना काफी मुश्किल है, लेकिन भैया हमें पार करा रहे हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हम लोग फाइनली मुसाफा ढाबे के गेट पे आके रुक चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत मजा आई राइड करने के लिए। अगर आप मुसाफा ढाबा आएंगे तो क्या बोलता माचे इसमें ये राइड बैठ के देखो, ऐसा लगता है हम गिर रहे हैं लेकिन हम गिरते नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम गिरते नहीं है। देखो मुझे लग रहा है मैं गिर रहा हूँ, नहीं गिर रहा हूँ। गिरने वाली चीज नहीं है, आप लोग बच्चों को बैठा सकते हैं, बड़े को बैठा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये भाई ऑनर है ये उठ के, आप आएंगे भाई से मिले, आइए सवारी कीजिए, आपको राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है, मुंबई में सवारी। हमारे पीछे देख सकते हैं मुसाफा ढाबा, और माशाल्लाह बहुत अच्छा ढाबा है, इसके बाद हम अंदर जाके खुलेंगे और फुल टू एंजॉय है गाइस। ये ऊंट पे बैठ गए अगर आप तो पूरा मजा ढाबे का ले सकते, फुल एंजॉय होगा, और 100 रुपए में पर पर्सन बैठ सकते हैं गाइस, फैमिली भी बच्चे भी सब लोग, और माशाल्लाह आइए एंजॉय करिए। भाई का वीडियो देख के आएंगे तो डिस्काउंट देंगे, चलो हमारा वीडियो देख के आएंगे तो भाई ने कॉम्प्लीमेंट्री रख दिया, डिस्काउंट भी मिलेगा, 20% डिस्काउंट देंगे, चलो 20% 20% डिस्काउंट कर दिया भाई ने। थैंक यू भैया, मजे ले रहे हैं माशाल्लाह। अंकल एक बार सीढ़ी में हो, अंकल एक बार सीढ़ी में हो, देखिए
तो ये गाइस अब्दुल का यहाँ पर मैंगो आ चुका है आइसक्रीम, और मेरा है चॉकलेट और मैंगो मिक्स। तो ये मेरा भी आ चुका है यहाँ पर आइसक्रीम, और काफी टेस्टी लग रहा है मुझे देखने में। तो खाने के बाद में मैं क्या बताऊँ आपको, आप लोग मिस कर रहे हो ये सारी चीजों को घर में बैठ के, और फालतू इधर उधर घूम के, रिचार्ज करके, इसमें पैसे डाल के, उसमें पैसे डाल के। और मेरे को एजाज खान की वाली डायलॉग याद आ रही है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। कौन सी थी बंदा है वो, वरना हाँ बिल्कुल। तो एजाज खान की वाली डायलॉग याद आ गई मुझे, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना इंसान जबरदस्ती जिंदा है। तो बिल्कुल आप लोग जबरदस्ती जिंदा हो घर में बैठ के, फालतू के पैसे बचा रहे हो। तो पैसे क्यों बचा रहे हो गाइस, आओ खाओ पियो। मैं चाहता हूँ कि मुसाफिर ढाबे का फैमिली सेक्शन है, और ये एसी वाला है आप देख सकते हैं गाइस। और यहाँ मेरे हिसाब से आराम से कम मेरे हिसाब से 15-16 जन बैठ सकते हैं। और मैं आपको इसलिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि जो भी मुसाफिर ढाबा आएगा उसको पता चलना चाहिए कि फैमिली के साथ आके यहाँ सीटिंग कैसी है, खाना कैसा है। मैं सब कुछ शेयर करूँगा आपके साथ, आइए और भी बता दूँगा। अभी मैं ऊपर चल रहा हूँ, माछे भी साथ में है, लेकिन एक्चुअली वो थोड़ा बेचारा मेहनत कर रहा है। देखिए माछे भी साथ में मैंने, और हम लोग अभी आ रहे हैं ऊपर, ऊपर की सीटिंग दिखा देता हूँ आपको। चले ना, चलो चलो, मैं ले रहा कैमरा भी ले रहा हूँ। और ये मेरे हिसाब से वो तरफ जाने का रास्ता है, चलते हैं। लेकिन नीचे से व्यू काफी अच्छा है, यहाँ पे फोटोग्राफी होती है तो काफी अच्छी तो आपको लगता है भाई, अगर यहाँ से फोटोग्राफी करते हो तो काफी अच्छा व्यू आएगा, मजबूत आएगा। तो मेरे हिसाब से हम लोग वो भी ट्राई करके देखेंगे, नीचे से व्यू भी लेंगे और अपने ब्लॉग में डालेंगे। ये एजाज खान दिख रहे हैं, और देखो आप कुछ भी गेस्ट कर सकते हैं, हेटर्स लोग कुछ भी कर सकते हैं, और अपने को चाहने वाले लोग माशाल्लाह कुछ भी बोल सकते हैं। कमेंट करके बताइए अगर आपको अच्छा लगा तो, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ का व्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा है, विजिट करेंगे तो यहाँ तो चलिए भाई, और अच्छा लगा माशाल्लाह। एक 3-2-1 बूम हो जाए, क्या बोलते हैं अब्दुल भाई, नहीं हो जाएगा 3-2-1 और आप देख सकते हैं मुसाफा ढाबे का स्पेशल डिश। ओह माय गॉड, देखा कर तू, वाह आ चुका है वो। ओए गाइस खाते हो कितने बाबू, तो मुंह में चला जाएगा। तो फाइनली माशाल्लाह हम लोग का खाना खा के भी हो गया, और हम लोग ने चाय जो यहाँ की स्पेशल चाय होती है वो भी पी लिए, और देख सकते हैं माशा अपने एक अलग ही अवतार में एक अलग भाई, आओ और फुल मजे लो भाई, मजा मजा। आप भी एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप ये वीडियो जब ये ब्लॉग देखेंगे तो आप वो जो हमारे ऊंट वाला जो राइड था वो वीडियो में अगर आपको अगर फन और मस्ती और एंजॉय मिला होगा, माचे की एक अच्छी एक कॉमेडी भी हुई। और यहाँ पे आएंगे तो ऊंट पे बैठना तो मत भूलो भाई, बहुत मजा आया था, बहुत एडवेंचर मिला हमें यहाँ पे आके, और पुल खोल दिया और ढाबा भी माशाल्लाह बहुत, मेरे ख्याल से इतना अच्छा इंटीरियर मेरे ख्याल से, और आउटसाइड से भी इतना खूबसूरत ढाबा है कि मेरे ख्याल से अभी तक के कोई भी नहीं है। और ये जब एंड था खाना बोले तो फिर अभी बोले हो तो मैं आप लोग है ना, अभी आप लोगों के मुंह से ना पानी टपकने लग गया, तो इसके लिए भाई बस करता हूँ मैं, नहीं बोलता अभी ज़्यादा, तो आगे खा के देखो। हाँ तो माशे ने अगर बोला है तो माशाल्लाह आपको मैं वापस से रिक्वेस्ट करूँगा, एज ए फैमिली अगर आपकी फैमिली को लाना है तो प्लीज़ आप ये मुसाफा ढाबा आइए, और खुद आके यहाँ का खाने का जायजा लीजिए, और यहाँ की सर्विस भी माशाल्लाह एक नंबर है, एक नंबर। हमारा वीडियो शायद हमें यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा साढ़े 9 बजे, और यहाँ से हमारे जो MC जो रेहान थे वो चले जा चुके हैं काली सो गए। तो चलिए हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, और जो सब्सक्राइब नहीं करते उन लोग के ऊपर वो लोग की डाँव की कसम है, वो लोग की डाँव की कसम है, लेडीज रहेगी तो उन लोग के BF की कसम है। आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो ये कैसी रही, नहीं अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, प्लीज दिल पे लीजिए, दिमाग पे नहीं लीजिए, और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और वो जो हेटर्स लोग है वो लोग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो जले थोड़ा साइड से चले, और जिसके दिल में हमें उसके दिल पे लगेंगे, और जिसके दिमाग में हमें उसके भेजे पे लगेंगे। तो चलिए दुआओं में याद रखिए, खुदा हाफिज़, और हमेशा की तरह हो जाए।
3, 2, 1, boom!